स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो 11th एंड 12th सभी क्लासेस में यूज होती है। वो प्रॉब्लम है लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। लॉग टेबल कैसे देखी जाए, और के लिए चलिए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम इनको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रिक एसिड इज हैविंग कंसंट्रेशन एक्टिव मास, जो कि यूज होता है चैप्टर इक्विलिब्रियम में। कंसंट्रेशन दी गई है 4.010^-2। इस वैल्यू के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगी इस सॉल्यूशन की पीएच। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जो कि एज पर फार्मूला दैट इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O+ पॉजिटिव आयन। In this case, HNO3, when reacts with water and forms H3O+ NO3-. So, H3O+ is having concentration equal to HNO3, 4×10^-2। हमें find out करना है इसकी pH क्या होगी, और इसके लिए हमें use करनी पड़ेगी log table, negative logarithm of 4×10^-2। यहां हमें लॉग टेबल के कुछ रूल्स को याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर वन, लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी दोनों वैल्यूज का लॉगरिथम देखकर उनको हम प्लस करेंगे। सेकेंड वन इज लॉग ए अपॉन बी, मीन्स log a minus log b। नंबर थ्री, log a power b equal to b log a। हमें इस log टर्म को हटाना है और pH वैल्यूज में से हमें निकालनी है। इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव logarithm ऑफ 4 = a, 10^-2 = b। So this formula is used here. So it will be log 4 plus log 10^-2। इसको solve करेंगे तो minus logarithm 4 minus 2 log 10। यहां formula use हुआ है, formula number 3। कैसे हम इन values को निकाल सकते हैं उसको हम लॉग टेबल के थ्रू देखेंगे, और लॉग टेबल हमें मिलती है एग्जाम में भी, उसको हमें देखना आना चाहिए। ये है, उसमें क्या फॉर्मेट रहता है, 10 से स्टार्ट होता है लेफ्ट साइड और 99 तक यहाँ लिखे होते हैं नंबर्स। इधर जो वर्टिकली कॉलम्स है उसमें है 0 to 9, और यहां पर इनको कहते हैं मीन 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। सो दैट इज द फॉर्मेट फॉर द लॉग टेबल। हम लॉग टेबल देखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, लॉग 30.32। तो लॉग टेबल देखते टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां के जो दो टर्म है लेफ्ट के, दीज आर कंप्लीट नंबर्स। इस नंबर में है केवल 2 digits कंप्लीट होल नंबर्स, और जितने नंबर ये हैं उससे एक नंबर कम डिजिट हम यहां पुट कर देंगे, 1 point। अब हमारे पास ये टर्म कंप्लीट हो गई है 3032। इस टर्म को हमें यहां पर देखना है लॉग टेबल में। लेफ्ट की 2 terms ये हमें देखनी है लेफ्ट साइड के वर्टिकल कॉलम की तरफ, जहां पर 30 लिखा हुआ होगा। नंबर 3 term 3 हमें इसको देखना है इन नंबर्स के सामने, यानी वर्टिकल कॉलम में 30 के सामने इसको हम कॉलम चेक करेंगे और उसको हम यहां नोट करेंगे। फोर्थ नंबर है 2, इसको हम इसी कॉलम में मींस में 2 की वैल्यू कितनी है, यहां पर जो वैल्यू होगी इसको हम दोनों को प्लस कर देंगे। सपोज ये वैल्यू यहां पर है 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो फोर्थ नंबर टर्म है 2, उस 2 के लिए यहां मींस में वैल्यू देखेंगे, ये सपोज इट इज इक्वल टू 2, तो टोटल वैल्यू इज 3, 1, 2। इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे 1, 2, 3, 6 एंड दैट इज द आंसर। अब इस एग्जांपल में देख लीजिए, लॉग 4
फोर नंबर इज द कंप्लीट नंबर होल नंबर, सो विल राइट 0 पॉइंट. अब ये 440 भी काउंट हो सकता है, 4000 भी ले सकते हैं. 4 विल बी टेकन एज 4000. अब टेबल में 40 के सामने 0 पर जो भी वैल्यू होगी हम उसको पुट करेंगे. सपोज इट इज इक्वल टू 4431. तो इस वैल्यू को, क्योंकि इसके बाद फोर्थ नंबर वैल्यू कुछ नहीं है, सो आंसर हो जाएगा 0.4431. ये थी वैल्यू लॉग 4 के लिए. अब यहां देखेंगे लॉग 10. लॉग 10 मीन्स यहां पर हम 10 को देखेंगे, क्योंकि दो डिजिट है. लॉग 10 मीन्स 1 पॉइंट, क्योंकि यहां पर हम 10 की वैल्यू 0 पर देखेंगे. 10 की वैल्यू जब 0 पर देखेंगे तो 0, इसलिए हम लॉग 10 की वैल्यू कहते हैं 1. तो टोटल हमारा आंसर क्या होगा, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 4 इज इक्वल टू 0.4431 माइनस 2. माइनस 2 मीन्स लॉग 10 इज इक्वल टू 1. सो आंसर विल बी माइनस 0.4431 एंड प्लस 2, सो इक्वल टू 1.5529. डिटेल पढ़ने के टेबल का यूज कर सकते हैं और उसको एग्जांपल के साथ स्टडी कर सकते हैं. लॉग टेबल हमें सीखना पड़ेगा कि लॉग टेबल हम कैसे देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉग एन अपॉन एम, इसका फार्मूले का मीनिंग है लॉग एन माइनस लॉग एम, एंड लॉग एन इंटू एम इक्वल टू दोनों वैल्यूज के लॉगरिथम्स का सम, लॉग एन प्लस लॉग एम, एंड लॉग एक्स पावर एन विल बी एन लॉग एक्स. अब हमें कुछ एग्जाम्पल देख के लॉग टेबल में लॉग वैल्यूज देखना समझेंगे. लॉग 2467, इसका हमें लॉगरिथम लेना है, इस लॉग टर्म को हटाना है. इसके लॉगरिथम की जो वैल्यू हम देखेंगे, इस टेबल हमें मिली होती है, इस टेबल में लेफ्ट के जो टू टर्म्स हैं 2, 4, इसको हम टेबल के लेफ्ट साइड में, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में 24 नंबर पे देखेंगे. उसके बाद हम उसको 6 नंबर कॉलम में 24 को हॉरिजॉन्टली चलेंगे और 6 नंबर कॉलम में उसकी जो वैल्यू होगी उसको हम देखेंगे, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू 3909. देन उसी कॉलम में, उसी हॉरिजॉन्टल कॉलम में हम 7 के लिए 24 पर जब वैल्यू देखेंगे तो 7 कॉलम में वैल्यू आएगी 12. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2467, क्योंकि 4 डिजिट कंप्लीट है तो उनसे एक नंबर कम डिजिट यानी 3 लेकर हम एक डॉट लगाएंगे, और डॉट के बाद हम उन दोनों वैल्यूज का सम जो कि 3909 प्लस 12 यानी कि 3921 उसको डेसिमल के राइट साइड लिखेंगे. इन द सेम केस सेकेंड एग्जाम्पल लॉग 38, लॉग 38 2.4, 382.4, इसका हमें लॉगरिथम देखना है. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें कितनी डिजिट्स कंप्लीट है. 382 ये कंप्लीट नंबर्स हैं, डिजिट्स हमारे पास है 3. तो लॉग टेबल देखते टाइम सबसे पहले हम 3 डिजिट्स की बजाय एक डिजिट लेस 2 एंड देन डेसिमल लिखेंगे. अब हम 3824 को लॉग टेबल में देखेंगे. तो 38 को हम लेफ्ट साइड, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड 38 कॉलम में हॉरिजॉन्टली 2 वर्टिकल कॉलम में उसकी वैल्यू चेक करेंगे, वो वैल्यू होगी 5821. देन उसी कॉलम में हॉरिजॉन्टल जाके हम इसकी वैल्यू देखेंगे कॉलम नंबर 4 में, इसकी वैल्यू आएगी 5. तो 5821 और 5 इन दोनों को हम प्लस करेंगे इक्वल टू 5826 और इसको डेसिमल के राइट साइड प्लेस कर देंगे. इस तरह से हम अलग अलग नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं.